सिपाही को भाग गई थी। तमाम शस्त्र, तमाम बीज, तमाम जोश, तमाम सौंदर्य ब्यूटी, तमाम ज्ञान, तमाम वैराग्य जो तत्व में आए निहित आए उनको भगवान कहते हैं। हु इज द एम्बडीमेंट ऑफ ऑल दिस आश्चर्य, ही इज टर्म्ड एज भगवान, अर्थात सर्वशक्तिमान। भगवान का तात्पर्य सर्वशक्तिमान, शक्तिमान साधारण भगवान शब्द से, लेकिन कौन से शक्तिमान, जितनी शक्ति है इतनी शक्तिमान, अर्थात सर्वशक्तिमान। इसलिए द वेरी सिनोनिम ऑफ द वर्ड भगवान इन सर्वशक्तिमान। अभी जो तत्व सर्वशक्तिमान, उनका कोई क्वालिटी नहीं है, शक्ति नहीं है। मैं तो सारा देश भ्रमण करता हूं, आसाम में एक स्थान पर मुझे कामरूप जिला में बुलाया, पर भाषण दिया, हेडमास्टर बाबा के हाई स्कूल का भी था, बहुत आदमी था। तो हमको जब कार में उठाने के लिए गया, वहां पर एक इंस्पेक्शन बंगलो में रहने के इंतजाम किया, तब कहती स्वामी जी हम लोगों का धर्म बहुत उच्च कोटि का है, हमारा जो आसाम का धर्म है बहुत उच्च कोटि का है, इसलिए आप लोग सच्चा है। स्त्री का शरीर भी स्त्री, पुत्र कन्या का शरीर भी पुत्र। जब हमारे उनको कहा कि मास्टर साहब अब तो पंडित है, प्रधान अध्यापक है, यहाँ पर विचार करके बात कीजिए। भगवान कहते हैं शक्ति नहीं मानता है, इनकंसिस्टेंट नहीं होता है, इरिलीवेंट नहीं होता है। धनवान कहते हैं धन नहीं मानते, पंडित है कि मुक्त है। इसी प्रकार भगवान कहेंगे भगवान नहीं मानेंगे, ठीक नहीं आए। ये अज्ञता से मूर्खता से ही बात आती है। इसलिए भगवान शक्ति हाय, क्वालिटी हाय, ऐश्वर्य हाय, ही इज द एम्बडीमेंट ऑफ ऑल पोटेंसीज, जितने किस्म का पोटेंसी हो सके, यही है भगवान। अभी वही भगवान जो शक्ति रहित का है ना, ये पांडित्यपूर्ण बात नहीं। आचार्य शंकर भी कहा शक्ति के बारे में, ये सदसत अनिर्वचन, शक्ति का सद भी नहीं का, असद भी नहीं का, सद भी आया असद भी अनिर्वचन आया। शक्ति मानने से ही द्वैतवाद आ जाता, इसलिए कहते सदसत अनिर्वचन आए इत्यादि। कहने दीजिए वो लोग मामूली आदमी नहीं है, लेकिन अभी जो लोग बात करते हैं एक एक जो भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ये चाइल्ड स्टक बाल सुलभ चालित्व अचापल्य अथवा बात, इसलिए मैं एक दृष्टांत युक्ति व दृष्टांत देता हूं, कृपा करके जरा ध्यान दीजिए सब। ये आपका उत्तर भारत में यही विचार के लिए जरूरत है। यहाँ पर वैष्णव धर्म का प्रचार ज्यादा नहीं आए, शुद्ध सनातन धर्म का प्रचार ज्यादा नहीं आए, थोड़ा अद्वैतवाद का प्रचार आए। दैट इज द इफेक्ट हियर थ्रू नॉर्दर्न इंडिया। क्या बात है, भगवान की जड़ है, मैटर है अथवा चेतन है, ये सारी बात विचार की है। चेतन है कि अचेतन है, ज्ञान है कि अज्ञान है, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, क्योंकि चेतन है अथवा अचेतन है, बोध सत्ता है अथवा अबोध सत्ता है, ज्ञान है अथवा अज्ञान है,
ब्रह्म को ज्ञान कहती, परमात्मा को भी ज्ञान कहती, भगवान को भी अखंड ज्ञान कहती। मेरी बात नहीं, वेद विभाग करता कृष्ण द्वैवन वेदोपदेश की बात, वेद का निचोड़ वेदांत रचयिता वेदोपदेश की बात, उनकी कथा उनकी लेखनी भागवत में आई। वदंती तत्विदस्तत्व यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। श्लोक अर्थ भागवत का तत्वविद किसको कहते हैं, तद वस्तु किसको कहते हैं, तद वस्तु कहते हैं जिसको इंद्रिय द्वारा अनुभव नहीं होता उसको कहते हैं तत्। इंग्रजी में जिसको हम लोग कहते हैं दैट, तत् मीन्स दैट, और संस्कृत में जिसको इदम कहते हैं, इंग्रजी में हम लोग उसको दिस कहते हैं। दिस अर्थात यही इंद्रिय ग्राह्य वस्तु, चक्षु कर्ण नसा जीवा तथा जो अनुभव योग्य है उसको इदम कहते हैं दिस। और दैट किसको कहते हैं, इंद्रियों का ग्रहण जुग नहीं है, वी रेफर इट ऑन दैट तक वही अर्थात अतिद्रिय वस्तु को कहते तत्। इंद्रिय ज्ञानादि वस्तु को कहते तत्, तो वही तद वस्तु का जो भाव उनका नाम है तत्व। वही तत्व को जो जानते हैं उनको कहते हैं तत्वविद। तत्वविदों ने कहते हैं वदंती तत्विद तत्व, तत्वविदों ने उसी को कहते हैं तत्व। तत्वविदों ने स्टार्विंग तत्व बट जब ज्ञानम अद्वयम जो होता है अद्वय ज्ञान, जो वस्तु अद्वय ज्ञान अखंड ज्ञान एब्सोल्यूट नॉलेज इनफिनिट नॉलेज अनडिवाइडेड नॉलेज फुल नॉलेज उसको कहते हैं तत्व। वदंती तत्विद तत्व जब ज्ञानम अद्वयम, वही तत्व व अखंड ज्ञान अद्वय ज्ञान व अखंड ज्ञान पूर्ण ज्ञान उनको कहते ब्रह्म, उनको कहते परमात्मा, उनको कहते भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते कथ्यते, वही तत्व अर्थात पूर्ण ज्ञानी ब्रह्म शब्द द्वारा परमात्मा शब्द द्वारा व भगवान शब्द द्वारा वर्णित होता है। इससे क्या मालूम होता है, वही अखंड ज्ञान ही भगवान, अज्ञान भगवान नहीं, अज्ञान का भगवान नहीं बताया, मैटर इज नॉट गॉड, पूर्ण ज्ञान इन्फिनिट नॉलेज स्टार्स भगवान और ब्रह्म और परमात्मा। इसलिए वही पूर्ण ज्ञान में चेतनता नहीं है, ये बात तो सॉल्व नहीं होता है। पूर्ण चेतन ज्ञान मतलब चेतन चिन्ह वस्तु, चिन्मय वस्तु, पूर्ण चिन्मय वस्तु, असीम चिन्मय वस्तु। इसलिए चेतन का व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है कि नहीं है क्वेश्चन, छोटे से क्षुद्र चेतन जीव है, आप जीव है, मैं जीव हूं, आपका पर्सनैलिटी है कि नहीं है, चेतन का लक्षण क्या है, किसको चेतन कहते हैं किसको अचेतन कहते हैं किसको, इसको कि आप चेतन कहते नहीं, इसके अंदर में कोई इच्छा नहीं है, चादर का कोई क्रिया नहीं है, इसका कोई बोध नहीं है, अनुभूति नहीं है, इसलिए इसको अचेतन कहते हैं। ये लोहा ये अचेतन है, इसकी इच्छा नहीं है, इसकी कोई क्रिया नहीं है, इसका कोई अनुभव शक्ति नहीं है, सुख बाधु अनुभव नहीं है इसका, इस मैटर इसको अचेतन कहते हैं। चिवटी उचेतन, चिवटी के अंदर में, मच्छर के अंदर में, मक्खी के अंदर में,
इच्छा है, क्रिया है, अनुभूति है। इसलिए आप मक्खी को भागने को कहते हैं, भाग चलाते आपके पास, उसकी इच्छा है, उसकी क्रिया है, उसका सुख दुख को अनुभूति है। अनुचेतन कितना अनुचेतन है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भाग जीवो सविज्ञेय इति चाह परस्ति। बाल का, केश का अग्रभाग से जितना स्थान को निर्दिष्ट होता है, उनको एक सौ हिस्सा करने से जो स्थान मिलता है, उसको एक ही हिस्सा को फिर एक सौ भाग किया जाए, तब जितना माइन्यूटेस्ट कल्पित सूक्ष्म वस्तु होता है, वो है जीव का स्वरूप। यही श्रुति का सिद्धांत, इति चाह परश्रुति। जीव का स्वरूप इतना क्षुद्रतम है, माइन्यूटेस्ट ऑफ द माइन्यूटेस्ट, दुनिया का विचार से जीव इतना सूक्ष्म, तब भी उसका चेतना चेतनता है, क्रिया है। यही व्यास शरीर के अंदर में इतना क्षुद्र चेतन है, हाथी के अंदर में ही क्षुद्र चेतन है, वो हाथी को लेकर चलता है, शेर के अंदर में है, सांप के अंदर में है, व्याघ्र का, सिंह के अंदर में है, सब प्राणी के अंदर, मच्छर के अंदर में, चींटी के अंदर चेतन। इसलिए ये सब कोई का इच्छा क्रिया अनुभूति है, किसी का डेवलप, किसी का अनडेवलप। अभी जब अनुचेतन में ही व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, इच्छा क्रिया अनुभूति है, विभू चेतन असीम चेतन में व्यक्तित्व नहीं है भाई, उनका पर्सनैलिटी नहीं है, ही इज नॉट पर्सन। क्या विचार है, क्या युक्ति है, बोले ओनु में व्यक्तित्व है, विभु में व्यक्तित्व नहीं है, दिस इज इरेशनल। इसलिए विभु चेतन व विष्णु व्यक्ति, परमात्मा व्यक्ति, भगवान व्यक्ति, बस इसलिए उनकी भक्ति करते, इसलिए उनको प्रीति है। जब व्यक्तित्व नहीं रहे, तब उनसे प्रेम नहीं हो सकता है, उनकी सेवा नहीं हो सकती है। जिसका सेवा स्वीकार करने का अधिकार नहीं है, क्या उनकी सेवा करें। इसलिए भगवान व्यक्ति इस पास, लेकिन पार्सल कहने से कूद के मत उठिए, घबराइए मत। डिफिकल्टी क्या है, वी आर प्रिजुडिस्ड विद दिस मेटीरियल फेनोमेना, द कंसेप्शन ऑफ दिस मेटीरियल फेनोमेना। एक दुनियादारी का जो भाव है, इसमें हम लोग एकदम एंकर्ड है, अभिष्ट हूं, इससे विचार करते हैं। मैटर को देख के, दुनिया देखते मेटीरियल, इस यहां पर जब गए कोई व्यक्ति, उसका सीमित देखते हैं। दुनियादारी का व्यक्ति होने से ही उनका लंबाई है, चौड़ा है, उच्चता है, लेंथ ब्रेथ हाइट है। तो भगवान को जब व्यक्ति कहे, तब भगवान का सीमित कर देता है, उनको भी लेंथ ब्रेथ हाइट होगा। भगवान तो सीमित नहीं है, भगवान तो असीम, सौर पैदा करती उनका जवाब। तुम सीमित व्यक्ति का, मैटर का सीमा देख के जो चेतना है, उसको इसके अंदर मिल जाते किस लिए। एक जाति तो नहीं है, मैटर और स्पिरिट, अनात्मा और आत्मा, एक जाति है नहीं, एक क्वालिटी का नहीं है। इसका गुण व दोष, मैटर का कसूर व गुण, आत्मा में किसकी तुम एट्रीब्यूट करते हो, आरोप करते हो किसकी, दिस इज इरेशनल, अयोक्ति, असंगबद्ध बात। इससे मालूम होता है तुम जवाब प्रिजुडिस्ट है, बेटा दुनियादारी में इतना अभिष्ट है, एक दुनियादारी को आइडियल व आदर्श समझ के इससे तुम भगवान के बारे में विचार करते हो, जैसे यही आदर्श है, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए कहती है भगवान में व्यक्तित्व है, भगवान असीम है, उनका व्यक्तित्व भी असीम,
अनोरणियान महतो महिया, भगवान अनु से अनु, विभु से विभु, भगवान मध्यम, भगवान सर्प, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कीजिए महावर्ष, भगवान का नाम सर्व, भगवान का नाम सर्प, भगवान माइन्यूटेस्ट ऑफ द माइन्यूटेस्ट, दैट एस्पेक्ट, माइन्यूटेस्ट एस्पेक्ट जो है उनको कहते परमात्मा। भगवान का जो अनु का तरफ जो भाव उसको परमात्मा कहते, और व्यापक एस्पेक्ट जो उसको ब्रह्म कहते, सर्वव्यापक भूमा एस्पेक्ट को ब्रह्म कहते, वो भी भगवान, परमात्मा भी भगवान। और मध्यम एस्पेक्ट को जहां पर अनुत्व और विभुत्व दोनों को क्रोणीभूत करते हुए, इनकॉर्पोरेट करते हुए जो और एक सत्ता है बीच वाला, उनको कहते हैं भगवान। वहां पर अनुत्व भी है, विभुत्व भी है, मध्यमत्व है, सर्वत्व है, उनको कहते हैं भगवान, सर्वशक्ति। इसलिए भगवान में विकसित है, मेरे अंदर में उन व्यक्तियों से मेरे अंदर व्यक्तित्व है, इसलिए मैं भगवान को प्रेम कर सकता हूं, भगवान मुझे प्यार कर सकता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी इज देयर, लेन देन हो सकता है, लेकिन मैटर होने से ऊपर तो एक तरफ से आप कुछ कर सकते हो, तो नहीं कुछ कर सकते। इसलिए प्रेम व भक्ति व प्रीति समजाति में होता है, जीव भी आत्मा, भगवान भी आत्मा, भगवान का विशेष आत्मा था परमात्मा कहते, पूर्ण आत्मा कहते, विभु आत्मा कहते, विष्णु कहते, उनको कृष्ण कहते, उनको राम कहते, उनको नारायण कहते, बहुत किस्म का नाम है, उनका महिमा अनुसार नाम कहते, अभी उनका नाम नहीं है, बात उठाया नाम नहीं या फजूल नाम कीर्तन करता है किसने, भगवान का सारी चीज है, नाम भी आए, रूप भी आए, गुण भी आए, लीला भी आए, सब कुछ आए, धाम भी आए, सब चिन्मय है, भगवान चिन्मय, उनका सारा क्वालिटी चिन्मय, सारा एनर्जी शक्ति भी चिन्मय। माय तो श्रुति से प्रमाण दे सकता हूं, लेकिन टाइम जाएगा, हर एक को समझ में नहीं आएगा, तब भी मैं देता हूं, दो चार विद्वान व्यक्ति रहने से समझेगा। रेफरेंस इज गिवन फ्रॉम श्वेतसत्र उपनिषद, श्वेतसत्र में कहती नतस्य कार्यम करणंच विद्यते नत समस्यात्मधिकर्षति पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। वही परतत्व का पूर्ण ब्रह्म का नतस्य कार्य, उसका कोई कार्य नहीं है, करणं च विद्यते, उनका की करण इंद्रिय भी नहीं है, नतस्य कार्य करणं च विद्यते, वही परतत्व का पूर्ण ज्ञान का पर ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है, कोई करण, करण मतलब इंद्रिय नहीं है, न तो समस्या, उनका कोई समान नहीं है, उनसे कुछ अधिक नहीं है, बड़ा नहीं है, अर्थात असमोच, न तो समस्या साथे साथ कहते पराश शक्ति विविध ही वस्त्रियते, ओश्य पराशक्ति विविधा वस्त्रियते, वही परतत्व का पराशक्ति चेतना शक्ति विविधा एवं बहुत किस्म का सुना जाते, स्वाभाविक ही नेचुरली ज्ञान शक्ति बल शक्ति क्रिया शक्ति, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति बल शक्ति क्रिया शक्ति को फिर पुराण में कहते हैं ज्ञान शक्ति मतलब संवित शक्ति, जो शक्ति द्वारा अनुभव होता है, सम्यक वेदन होता है, अनुभव होता है, उनको नाम है
ज्ञान शक्ति, दूसरा शास्त्र में कहते संबित शक्ति, क्रिया मात्र ही शक्ति का काम, ज्ञान शक्ति और बल शक्ति, जो जो शक्ति सत्ता को रक्षा करते उसको कहते बल शक्ति। बल शक्ति दूसरा पुराण में कहते संधिनी शक्ति, जो एनर्जी जो शक्ति सत्ता को रक्षा करते भगवान की सत्ता जो शक्ति दे रहा है, जीव की सत्ता जो शक्ति दे रहा है, दुनिया की सत्ता जो शक्ति दे रहा है, उनका नाम बल शक्ति अथवा संधिनी शक्ति, सत्ता विस्तारिणी शक्ति। और एक है क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति उसको दूसरा शास्त्र में कहते लादिनी शक्ति, क्रिया से आनंद लाभ होता है, उसको पुराण में बताते हैं लादिनी शक्ति, क्रिया शक्ति। श्रुति में श्वेता सत्र में ज्ञान बल और क्रिया शक्ति तीन शक्ति बताया, पराशक्ति भगवान का तीन शक्ति प्रधान, एक एक शक्ति का स्वरूप अवर है, ज्ञान शक्ति का स्वरूप ही है कृष्ण, संवेक्ता संभोक्ता कृष्ण, बल शक्ति का स्वरूप बलदेव, संधिनी शक्ति बलदेव, नारवात्म बलहीन लभ्य यह बलदेव, दाऊजी बलराम संधिनी शक्ति मत विग्रह, शक्ति नहीं है बलराम, शक्ति मत विग्रह। और क्रिया शक्ति जिसको कहते हैं लहादिनी शक्ति, भगवान के जो एस्पेक्ट ऑफ क्रिया व लहादिनी वो है राधिका, उसका नाम राधिका। ज्ञान बल क्रिया तीनों एक ही है, एक कंगर में तीन विभाग है, समझने के लिए तीन विभाग है। हम आप लोग को हमारे अंदर से बताते, आप है माई हू, आई डू एग्जिस्ट माई हू, ये अच्छा मतलब मेरा अस्तित्व है, सत्ता है, मैं जब सत्ता ही नहीं रहता, अस्तित्व नहीं रहता, मैं बात नहीं कर सकता। सो आई डू एग्जिस्ट इसको कहते हैं संधिनी शक्ति, मैं सुख व दुख अनुभव करता हूं यह संबित शक्ति की क्रिया, ज्ञान शक्ति की क्रिया, मेरे अंदर में ज्ञान शक्ति है, मेरी क्रिया है, क्रिया से मेरा आनंद मिलता है, ये क्रिया शक्ति मेरे अंदर में है, लादिनी शक्तियां मेरे अंदर में है। ए भगवान जो पूर्ण चेतन है उनमें वो तो पूर्ण चिन्मय वस्तु जीव तत्व है, वही पूर्ण चेतन जो भगवान उनकी प्रकृति का अंश, भगवान का स्वांश नहीं, जीव भगवान का स्वांश नहीं, आप निजांश नहीं, उनकी प्रकृति का अंश। रेफरेंस गीता, भूमि रापो नलो वायु खम्मन बुद्धि रेवच अहंकार इति अंग में भिन्न प्रकृति रष्ट था अपरेयम इतस्तुन्यां प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतन महावाहो जाएदमदार जते जगत। यहां पर गीता में एक कृष्ण बताते मेरी दो किस्म की प्रकृति, अपरा और परा, अपरा मानी अशिष्टा अचेतना जरा प्रकृति, मेटीरियल एनर्जी मेटीरियल पोटेंशियल, उसका आठ वैभव, आकाश वायु आग जल मिट्टी और मौन बुद्धि अहंकार, ये बताया गीता भागवत में, उसका और विस्तार करके सोलो बताया, और सांख्य शास्त्र में उसको और विस्तार करते हुए ये 8 और 24 बताया। प्रकृति का चतुर्विंशति तत्व क्या किया, पंचमहाभूत उसका पंच गुण पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप गंध दस, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय दर्दर 20, मन बुद्धि अहंकार चित्त ये 4 24, यही चतुर्विंशति तत्व सारा अपरा प्रकृति का वैभव, अपरा प्रकृति का अंश अथवा माया शक्ति का अंश,
अथवा अज्ञान शक्ति का अंश। इतस्तु अन्यान, इससे जुदा, इससे फरक मेरी परा प्रकृति आत्मा को सोचा। अर्जुन को प्रकृति की विधि में परा, मेरी परा प्रकृति को तुम जानो अर्जुन। वो कैसा है? जीव भूता, वो प्रकृति है जीव भूता, जीव सत्ता वही प्रकृति, अथवा जीव जो प्रकृति से पैदा हुआ है उत्पन्न हुई शक्ति। भूधातु उत्पन्न अर्थ भी प्रयोग होता है, भूधातु सत्ता वाचक, इसलिए जीव की सत्ता है प्रकृति से व प्रकृति में जीवात्मा की, इसलिए जीवात्मा भगवान की, कृष्ण की व नारायण की व विष्णु की प्रकृति का अंश, वस्तु का अंश नहीं। हीरा का टुकड़ा जितना ही क्षुद्र हो जाओ हीरा, लेकिन हीरा से जब प्रकाश निकालते हीरा की जो प्रकृति है, हेलो ऑफ द डायमंड, दैट इज नॉट डायमंड। जरा ध्यान दीजिए, दार्शनिक विचार, हीरा वस्तु है, उसकी प्रकृति व पोटेंसी है क्या? उसका प्रकाश द्युति किरण प्रकाश है, जब हीरा से जुदा नहीं है, हीरा का प्रकाश जो है हीरा से जुदा नहीं है, तब भी हीरा नहीं है। वही प्रकाश को जब समाप्त करे मैकेनिकली कोई यंत्र का सहायता से, तब वो हीरा नहीं बनेगा। लेकिन हीरा का टुकड़ा जितना ही पार्टिकल हो जाए वो हीरा, दैट इज डायमंड। लेकिन डायमंड से जो हेलो ऑफ द डायमंड, तो इट इज वन विद द डायमंड, yet it is not diamond. These are vital points, philosophical points. Lekin kis ke liye hai point? Jo dimagdar vyakti ke liye hai, jo vicharwan vyakti log ke liye hai, shastra ka matlab hai, yukti siddha ka hai. Isliye jeev tattva bhagwan nahi hai, jeev bhagwan ka hai, jeev bhagwan ki shakti ka ansh hai, जी भगवान की प्रकृति का अंश है, इसलिए भगवान का है जी, तो दियो है जी, तत् नहीं है, इसलिए वेदांत में सूत्र है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि मतलब तस्सत्त्वम तत्त्वम तस्सत्त्वमसि, उनका तुम हो, ब्रह्म का तुम हो, परमात्मा का तुम हो, भगवान का तुम हो, तुम दुनिया का नहीं है, जगत का मेटीरियल फिनोमेना का नहीं है, तत्त्वमसि। इसलिए मेरा संबंध भगवान से है, सारा जीव का संबंध भगवान से है। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन बहुत से धर्म प्रचारक जीव को खुदा बतला देती, उसी वक्त हाथ तली लगा देती, बहुत अच्छी बात करे, जीव सब खुदा है, तुम भी खुदा, मैं भी खुदा, सभी खुदा खुदा ही है, तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, सभी नारायण है, तुम भी ब्रह्म, माए भी ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म, मतलब पूर्ण ज्ञान, तुम जब पूर्ण ज्ञान हो, माए भी जब पूर्ण ज्ञान, तुम्हारा क्या काम है भैया मुझे उपदेश करने के लिए? पूर्ण ज्ञान तो कभी अज्ञान से आच्छादित नहीं हो सकता। मान लिया अगर मैं पूर्ण ज्ञान हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं खुदा हूं, खुदा का ऊपर कोई ढक सकता है? बृहत्तम वस्तु को कोई आच्छादन कर सकता है, ढाक सकता है? कैन बी एनवलप्ड बाय एनीथिंग एल्स बाय माया? नहीं हो सकता। तो माया तो ब्रह्म से भी बड़ा हो जाती है। श्रुति में कहते, वेद में कहते, नत समश्चाद्वति कश्चित दिश्यते, उनसे अधिक और किसी दिशा में नहीं है। भगवान असमर्थ, समान भी कोई नहीं, अधिक भी कोई नहीं, सब नीचे है। तो जिसका बड़ो नहीं है, जिसके समान भी नहीं है, उसको कैसे ढकेगा? माया कैसे ब्रह्म को ढकेगा? ढक नहीं सकता। इसलिए जीव खुदा नहीं है। गीता, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कंसति सम सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परा। गीता, जीव है ब्रह्म भूता, ब्रह्म में जीव की सत्ता अथवा ब्रह्म से जीव की सत्ता। भूधातु उत्पन्न अर्थ विचार करने से ब्रह्म से
और सत्ता विचार करने से ब्रह्म में, जीव की सत्ता ब्रह्म में अथवा जीव की सत्ता ब्रह्म से ब्रह्म। जब जीव समझे तो हूं मैं चिन्मय वस्तु हूं तभी आत्मा प्रसन्न है और दुख नहीं है। किसलिए दुख कैसे होगा, उसका तो कोई हानि लाभ नहीं है। पूर्ण ज्ञान का व चिन्मय वस्तु का तो कोई नुकसान नहीं कर सकता। एटम बम हाइड्रोजन बम आगे तो पूर्ण चेतन का व अनुचेतन का कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न आत्मा जो समझते मैं चित जातीय, मैं ब्रह्म जातीय वस्तु, मैं ब्रह्म भूत हूं, तो न सोचती कोई गुजर जाने से, कोई नुकसान होने से रोता नहीं, न सोचती न कांक्षती। दुनियादारी की वस्तु की आकांक्षा भी नहीं करती, किसके तो जरूरत नहीं है। एक राज्य चला जाए, दस राज्य चला जाए, उसका कोई नुकसान नहीं है। ये तो हमारा जरूरी जरूरी नहीं है, जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो फॉरेन एलिमेंट दुनिया तो फॉरेन एलिमेंट, तुम्हें शरीर तो फॉरेन एलिमेंट, तुम्हें तो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ब्रह्मभूत हूं, मैं तो ज्ञान हूं। अज्ञान तो मेरी व्याधि है, अज्ञान से जब मैं मिलावट करूंगा अपना को तो व्याधि है, बीमारी है, दैट इज माई ट्रबल। इसलिए ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। समस्त सर्वेश भूतेश ब्रह्मभूत होने से तब समदर्शन होता है तमाम प्राणी। ऐसा कहने से अरे मनुष्य जानवर चिड़िया सब समान, मरद जनानी सब समान, पंडित मूर्ख सब समान, विद्यार्थी और अध्यापक सब समान, ऐसा भी समान कहने वाला जवान आ गया। समान नहीं करते दंड मारूंगा, सब समान मानने पड़ेगा। हम लोग मानेगा नहीं, मध्य देश भी मानेगा नहीं, सब समान नहीं है। एक हवा चल रहा है, एक पॉलिटिकल हवा, सब समान करनी पड़ेगा। कोई वस्तु समान है, दुई भाई है, सगा भाई ऐसा ट्विन ब्रदर, वो भी समान नहीं। आकृति में भी आइडेंटिकल नहीं, प्रकृति में आइडेंटिकल नहीं, किसी प्रकार आइडेंटिकल नहीं। पिता पुत्र समान नहीं। इसी प्रकार एक आदमी आर एक आदमी से आइडेंटिटी नहीं है, सादृश्य है, आइडेंटिकल नहीं है। इसलिए कहती न सोचती न कांक्षती। समस्त सर्वेश भूतेषु जब ब्रह्मभूत आत्मा को समझते हैं तब तमाम प्राणी में समदर्शन होता है। सभी तो ब्रह्म से, सब तो ब्रह्म जातीय चिन्मय जातीय, सब सब खुदा नहीं, सब खुदा का, सब भगवान नहीं, सब भगवान का। तो दिया ये विचार आ जाता है, इससे समदर्शन, सब भगवान का। जो कुछ वस्तु देखते ही नहीं तो सब भगवान का, यही समदर्शन आ जाता है। माया सह वर्तमान इति समा, मेरा साथ वर्तमान देखते हरेक वस्तु को। उद्धव जी को समशब्द का अर्थ कैसे बताया, माया सह वर्तमान इति समा, मेरा साथ वर्तमान देखते तब समदर्शन होता है। विष्ठा चंदन समान, ये बात नहीं, विष्ठा दर्शन है चंदन दर्शन है तब समान नहीं है। जब विष्ठा भी दर्शन नहीं है, चंदन भी दर्शन नहीं है, तब तो समान दर्शन हो सकता है। इसी प्रकार जब मनुष्य दर्शन है, चिड़िया दर्शन है, वो पर समान नहीं है। मनुष्य दर्शन नहीं है, चिड़िया दर्शन नहीं है, उसके अंदर में जो चेतन है, आत्मा है, वो दर्शन है, वो समान चित दर्शन चिन्मय दर्शन समान होता है, बाप तदीय दर्शन होने से समान हो सकता है। एक समदर्शन वो होने के बाद मद भक्ति लभते परम, उसके बाद मेरी पराभक्ति, मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकता है। जब भक्ति ब्रह्मभूत होने के बाद कृष्ण मेरी भक्ति पराभक्ति प्राप्त करते हैं, भक्ति होने से भजनीय रहते हैं और भजनकारी रहते हैं, उनका संबंध का नाम है भक्ति, तो दोनों का अस्तित्व रहते हैं। इससे ब्रह्मभूत शब्द का अर्थ खोला होगी, अर्थ नहीं आए।
खुदा हो गया तब खुदा के भक्ति का रिश्ते किया। मद भक्ति लभते है परा, मेरी परा भक्ति प्राप्त कर लेती ब्रह्म बुद्ध होने के बाद। जब तक दुनियादारी का अभिमान रहते माए अमुक देश का हूं, अमुक कुल का हूं, अमुक वंश का हूं, अमुक इत्यादि हूं, तब तो दुनियादारी का माया का माया, तब भगवान की नहीं माया, तब मेरा जुदा बोध होता है, सजातीय नहीं बोध होता है, प्रेम नहीं हो सकता है, काम होता है, कुछ पूजा वूजा कर सकता है, वही पूजा से कुछ फल मिलेगा, उसका नाम सत्कर्म, उसका नाम धर्म, उसका नाम पुण्य, प्रेम नहीं शुद्ध भक्ति नहीं। तो जो कुछ है अभी मेरा कहने के लिए है, ये जो विचार उठाया जो भगवान ही सब कारणों कारण है परम पुरुष, और उनकी शक्ति सारा जीव है, तमाम प्राणी उनकी शक्ति से आए, शक्ति का अंश है, तमाम ब्रह्मांड का जितना प्राणी आए उससे मनुष्य तो है, देवता चिड़िया जनवार चिवटी वृक्ष प्रस्तर आदि सब भगवान से संबंध जुक्त है। जब मेरा प्रियतम भगवान, मेरा सहारा भगवान, हर एक का सहारा भगवान, हर एक का प्रियतम भगवान, ये बात हो जाए, ये समझ में आ जाए, आराम से हर एक प्राणी का संबंध है, तब किसी को मैं हिंसा नहीं कर पाऊंगा। दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा अशांति ये काम से होता है, जब तक दिल में काम रहेगा, अपना इंद्रिय तर्पण करने के लिए, अपने इंद्रियों को खुश करने की चेष्टा रहे आलाक, तब लड़ाई इनेविटेबल। एक घर में पिता पुत्र में लड़ाई होगा, भाई भाई में लड़ाई होगा, व माता कन्या व माता पुत्र में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, स्वामी स्त्री में लड़ाई होगा, सेल्फ इंटरेस्ट है, मैं अलग हूं तुम अलग, तुम्हारा ये अलग स्वार्थ, मेरा स्वार्थ अलग, तुम्हारा स्वार्थ जुदा, लड़ाई तक क्लैशिंग होगा। लेकिन जब मैं अपने को छोटे से शास्त्र सैक्रिफाइस करके परिवार के साथ आइडेंटिफाई करूंगा कि मैं परिवार का, तब अपना स्वार्थ बोली दे के भी सैक्रिफाइस करते हुए भी सारा परिवार का शुभ देखेंगे, तब आदमी को प्रशंसा करती, ये आदमी अच्छा है, अपना स्वार्थ नहीं देख के सारा परिवार को साथ अपने को शामिल कर लिया, परिवार का स्वार्थ देखते अच्छा आदमी, उदार आदमी, त्यागी आदमी। फिर जो परिवार को अच्छा कहते, परिवार को स्वार्थ में आइडेंटिफाई करने से, वो जब गांव का साथ करे तब उसका और उदार करती है। गांव में तो बहुत परिवार रहते हैं, अनेक फैमिली रहते हैं, अपना फैमिली में जब मैं अपना को एकीभूत करूंगा तब दूसरा फैमिली से लड़ाई होगा, दूसरा फैमिली से झगड़ा होगा, स्वार्थ स्वार्थ में क्लैश होगा। लेकिन सारा ग्राम का स्वार्थ में, ग्राम का साथ जब मैं अपने को आइडेंटिफाई करूंगा, एकीभूत कर लूंगा, ग्राम का स्वार्थ मेरा स्वार्थ, तब ग्राम वासी हमको तारीफ करेगा, ये आदमी अपना से फैमिली के लिए ही, अपना के लिए भी नहीं, फैमिली के लिए भी, एक गांव के लिए चेष्टा करते, अच्छा उदार है, बड़ा अच्छा आदमी है, धर्मी का है। लेकिन उसका झगड़ा होगा दूसरा ग्राम से, जो ग्राम से अपना को शामिल कर लिया दूसरा गांव से झगड़ा, फिर वो जब जिला से अपना को आइडेंटिफाई करे तब दूसरा जिला से झगड़ा, उसका और उदार कहेगा। इसी प्रकार जब प्रदेश से स्टेट से अपना को एकीभूत करे तो दूसरा प्रदेश से झगड़ा होगा, फाइट इज इनेविटेबल देयर, एक लेसर यूनिट ए ग्रेटर यूनिट, छोटा छोटा हिस्सा से झगड़ा, अभी बड़ा बड़ा हिस्सा है, एक प्रदेश और एक प्रदेश से झगड़ा करते, फिर आप मैं भारत का साथ एकीभूत करता हूं, ओह देशो प्रेमी, इनका माफी कोई अच्छा नहीं है, बड़ा धार्मिक, बड़ा उदार, बड़ा चमत्कार व्यक्ति, अपना घर का स्वार्थ बलि दिया, अपना स्टेट का स्वार्थ बलि दिया, जिला का सब छोड़ दिया, देश का भारत का साथ में अपना को शामिल कर लिया है, भारत हमारा देश है, मैं भारतवासी हूं, इसको उदार करती, इसको श्रेष्ठ मानती, इसलिए वो ग्रेटर इंटरेस्ट में, बृहत्तर स्वार्थ में
अपना स्वार्थ को एक कर लिया, इसलिए उनको श्रेष्ठ कहते। लेकिन उसको भी झगड़ा होगा, भारत से मैं अपना को एक कर लिया, पाकिस्तान से तो नहीं किया, पाकिस्तान से लड़ाई होगा, चीन से लड़ाई होगा, जापान से लड़ाई होगा, यूरोप से, अमेरिका से, बहुत राज्य से लड़ाई हो सकता है। ग्रेटर इंटरेस्ट में क्लैशिंग होगा, तब दुनिया का आदमी कहे ये स्वार्थ बड़ा है, अपना देश का स्वार्थ देखते दूसरा देश के बारे में ध्यान नहीं देता है, वो कहेगा जब सारा दुनिया के लिए मैं अपना को लाग दूंगा, विश्व प्रेमी है, ये अच्छा है, ये उदार है, ये सर्वोत्तम है। लेकिन ये भी सर्वोत्तम नहीं होगा, इसलिए विश्व तो एक नहीं है, बहु ग्रह नक्षत्र बहुत आए, बहु आए सर्गमस्त पाताल आदि चतुर्दर भुवन आए, क्लैशिंग होगा दूसरा रीजियन से। क्लैशिंग बंद होगा कब, जब मैं समझूंगा कि मैं तो भगवान का हूं, पूर्ण का हूं, पूर्ण का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ, भगवान का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ, भगवान का सुख मेरा सुख। यही बात जब मेरा दिल में आ जाए तब तो भगवान का तो सारा ब्रह्मांड एक दुनिया नहीं, लाखों करोड़ों करोड़ों दुनिया भगवान का है, और करोड़ों करोड़ों मनुष्य नहीं, जानवर चिड़िया देवता ये जितना चिवटी फिवटी सब भगवान का है। तब भगवान में जिसका स्वार्थ मार्स करते हैं एकीभूत हो जाती है, वो है विश्व प्रेमी, सच प्रेमी, उनसे किसी का क्लासिंग नहीं आए, झगड़ा से पछुआत हो गया था। इसलिए गौरी अमठ चैतन्य गौरी अमठ अचैतन्य महाप्रभु यही उपदेश दिया, जो भगवान को प्यार करो, प्रेम करो, स्वाभाविक तुम्हारा स्वार्थ, तुम स्वार्थ बढ़ो तो भगवान को प्यार करो, उसमें तुम्हारा चालू, उससे तुम्हारा चालू, तुम्हारा स्वार्थ भगवान में, तुम्हारा मंगल चाहो भगवान को प्यार करो, उनमें धन लगाओ, पूरा धन दो भगवान में। और जब भगवान में प्रेम करेंगे भगवान मेरा प्रियतम हो जाएगा, चाह भगवान का कोई प्राणी को मैं हिंसा नहीं कर सकता, दृष्टांत कोई हिस्सा को मैं नुकसान नहीं कर सकता, आपको मैं प्यार करता हूं, आपको हाथ को मैं तोड़ सकूंगा, आपको पैर को मैं काट सकूंगा, आग को खराब कर सकूंगा, तब तो आपका कष्ट होगा, आपका कष्ट मेरा कष्ट। जब सच्चा प्रेम आए तब प्रियतम का सुख ही अपना सुख, प्रियतम का दुख से अपना दुख, यह प्रीति का लक्षण। लेकिन यही प्रेम दुनिया में नहीं मिलता है, यही जो सच्चा प्रेम दुनिया में नहीं मिलता है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में प्रेम शब्द होता है, काम को भी प्रेम शब्द से ही व्यवहार करते, आपके ऊपर मेरा बहुत प्रेम है यूज करती, लेकिन दैट इज नॉट प्रेम। ऐसा कि दुनिया में सबसे अधिक गाढ़ा प्रीति दिखला ही पड़ता है स्वामी स्त्री में, पिता पुत्र व माता पुत्र आदि से जितना प्रेम प्रीति है उससे भी अधिक प्रीति घनीभूत प्रीति दिखला ही पड़ता है स्वामी स्त्री में। अनडिजर्व सर्विस स्त्री अपना दिल को पति के लिए देती है, अपना सारा इंद्रिय वृत्ति पति के लिए देती है, जैसे देते रिएक्शन है पति को सारा इंद्रिय चेष्टा वो अपना सारा दिल पत्नी के लिए देती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये स्वाभाविक। स्त्री अपना सारा शक्ति पति के लिए देती है, पति नहीं रुक सकता है, उनका शक्ति को पत्नी के लिए देने ही पड़ेगा, ही कैनॉट रिस्ट्रिक्ट इट, नेचुरल इट, वो पत्नी के लिए देगा ही शक्ति। लेकिन सच्चा जब प्रीति होगा आपस में, सच्चा प्रेम होगा स्वामी स्त्री में, तब यही नहीं होगा माए पोती का मेरा बहुत प्रेम, पोती में मेरा बहुत प्रेम, लेकिन पोती को बुढ़ा पीटा ये मरता नहीं, इसलिए पोती के लिए बहुत मेहनत करती है स्त्री, लेकिन पोती का बुढ़ा पीटा वो आता है घर में, बुढ़ा अभी तक मरा नहीं,
क्या मर नहीं सकता है, बुद्धि सांस आए वो मरता नहीं, किसी अभी तक नहीं मर रहा है, तू किस क्या है जिंदा, क्या निकाल जा। बहू कहती है कहीं एक ही पोती प्रेम, इस तरीका के पोती प्रेम, वही पोती के लिए जो कुछ सेवा करते हैं प्यार करते पोती का नट पोती प्रेम, पोती को अपना भोग के लिए उनको व्यवहार करते हैं, उनको त्वास करते अपना स्वार्थ के, पोती के सुख के लिए नहीं, पोती का स्वार्थ के लिए पोती का प्यार नहीं करते। जब करते तो पोती का सुख होता है उनका पिता माता की सेवा करने से, तब सती स्त्री जरूर पोती को, पोती का पिता, पोती की माता, पोती का भाई, पोती का बहन, पोती का रिश्तेदार कुटुंब, पोती का प्रियजन को जरूर सती स्त्री प्रति कर देते। जब नहीं देखते हैं तब समझते होगा पोती काम, पोती प्रेम नहीं। आप इसी प्रकार भगवान में जब प्रेम होगा तो भगवत संबंधी जितना प्राणी है उसको कभी हिंसा कर सकता है, नफरत कर सकता है, मनुष्य देवता छोड़ दीजिए वो तो श्रेष्ठ है, कोई जानवर चिड़िया को कुतल कर सकता है, हिंसा कर सकता है, नहीं कर सकेगा, इज नॉट पॉसिबल फॉर। इसलिए ओ विश्व बंधु, सारा दुनिया का दोस्त है भगवत प्रेमी। अभी दुनिया में यही बात जब प्रचारित हो जाए जो भगवान में ही हम लोग का सब कुछ का ताल्लुक, भगवान से सब कुछ का संबंध, कोई जुदा नहीं है, दुनिया का पिता माता से तात्कालिक संबंध, क्षणिक संबंध, भगवान से नित्य संबंध, ये बात जब दुनिया में प्रचारित हो जाए भगवत प्रेम, तब भगवान के संबंध में जीव दूसरा आदमी को हिंसा नहीं करे, तब एक देश अरे देश से लड़ाई बंद हो जाएगा। जब मेजोरिटी का अच्छा विचार आ जाए, भगवत भाव आ जाने से, तब हिंसा वृत्ति बंद हो जाएगा। इसलिए दुनिया में सुख विधान करने के लिए, शांति विधान करने के लिए यही भगवत प्रेम जीव के अंदर में प्रकट होना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। कैसे कहेगा, लेक्चर से होगा नहीं होगा, वक्तृता से नहीं होगा, साधन से होगा, आचरण नहीं करने से नहीं होगा। माइक है, सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो। मुझे बुलाया था राजस्थान यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट किया, जयपुर यूनिवर्सिटी, तब माइक दिया, वाइस चांसलर डिसाइड किया हमको, लेकिन माँ मुझे कुछ बोलने के लिए कहा, तो माए जब स्टार्ट हुआ जिस वक्त उस वक्त बहुत साल हो गया, जयपुर में महाराजा का कॉलेज था, उसकी यूनिवर्सिटी किया था, अभी वहां पर मैं कहा कि अध्यापक को आदर्श होना चाहिए, वहां पर अध्यापक भी था, विद्यार्थी भी था, गार्जियन भी था, मैं कहा जो अध्यापकों को थोड़ा आदर्श जीवन यापन करना चाहिए, जैसे उनको देख के विद्यार्थियों ने शिक्षा कर सके, इसलिए अध्यापक को नशा नहीं करना चाहिए। अध्यापक झूठी बात नहीं कहेंगे, कहने से विद्यार्थी भी झूठी बात शिक्षा करेंगे, शिक्षा नहीं देना चाहिए इत्यादि कुछ को नीति का बात, ऐसा धर्म के बाद भी विचार कहा, लेकिन नीति का बात जस्ती कहा। अभी जो भाषण शेष होगा, भाषण का प्रेसिडेंशियल स्पीच भी शेष हो गया, उसके बाद हमको गाड़ी पर चलाने के लिए वाइस चांसलर और प्रोफेसर लोग लेके चल रहा है। इस समय एक क्लासरूम से एक प्रोफेसर सिगरेट फूंक फूंक निकाल रहा है, मुख में सिगरेट फूंक निकालते, तो वाइस चांसलर मुझे कहते स्वामी जी हैव यू ऑब्जर्व इट, तो स्वामी जी आप देखा है, देखा है आप, हमने देखा है। अच्छा तो इस सिगरेट फूक के क्लास से निकालते हैं प्रोफेसर, बोले तो आप कहा है, और अभी क्लासरूम से सिगरेट फूकते फूकते प्रोफेसर निकालते, क्या शिक्षा होगी। अपनी आचरी धर्म जीवे सिखाए, अपनी ना कहिले धर्म सिखानो ना जाए। धर्म शिक्षा देने होगा, नीति शिक्षा देने होगा,
तब स्वयं आचरण करने पड़ेगा, तब आदमी सीखेगा। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। हम पाठशाला में देखा बुद्धा अध्यापक अभी बहुत, इसलिए जब मैं बच्चा था किसी देखा पाठशाला का बुद्धा पंडित कहते ऐसा नहीं करना, भी सिगरेट नहीं पीना, समझो बच्चा छोटा छोटा बच्चा पाठशाला थोड़ा बाद टिफिन और में पंडित जी कहते हैं ले जाते तीन पैसा, तब एक एक बांधे बिल था तीन पैसा 25 तो रहते उस वक्त पैकेट में, तीन पैसा ले जा मेरे लिए पंडित बिल लिया तुम्हारे से, एक लड़का को भेज दिया। अभी कोई क्या शिक्षा हुई, जो पंडित जी पहला बात है बिड़ी सिगरेट नहीं पीना, अच्छा साल नहीं पीएंगे, लेकिन जब पंडित जी कहते लिया तीन पैसा से बंदी बीड़ी लिया है, वही लड़का को भेजा और लड़का ले आया, उनका कि इसके ऊपर प्रभाव असर पड़ेगा वही जवान प्रदेश का नहीं पड़ेगा। इसलिए आचारवान व्यक्ति चाहिए, आचार जवान पुरुषो वेद चाहिए। तो मेरा कहने का है यही भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए भगवान का नाम संकीर्तन सहज उपाय, सरल उपाय भगवत प्रेम लाभ करने के लिए। प्रमाण कालना पशु कब कहा था मैं, ऋग्वेद का मंत्र ओम आयुष नाम चित विभक्त महस्ते विष्णु सुमति भजामहे ओम तत्सत, ऋग्वेद का मंत्र अर्थ मैं बता दिया था। ओम है विष्णु का बीज, प्रणव मांगलिक शब्द भी होता है, आश जानंत नाम हा ईषद भी ओश विष्णु, विष्णु का नाम का बारे में ईषद जरा से जानकर भी जो व्यक्ति वही विष्णु का नाम उच्चारण करते बुलबाना बोलते हैं, जो बोलते हैं बुलबाना, विष्णु का नाम कैसा है चित चिन्मय है ज्ञानमय है, इसलिए महा चेतन होने से ज्ञान होने से सब प्रकाश, ज्ञान कोई अज्ञान द्वारा प्रकाश नहीं होता है, ज्ञान सब प्रकाश, इसलिए तो महा भगवान का नाम महा सब प्रकाश रूप हो महा। तो अभी वही सब प्रकाश रूप जो चिन्मय विष्णु का नाम चिन्मय नाम, उसको विषय में जरा से जानकर भी जब कोई आदमी बोले कोई उच्चारण करे तब हम सब क्या करेंगे, सुमति भजामहे सुमति प्राप्त कर लूंगा, सुंदरामति अर्थात प्रीति व प्रेम प्राप्त करूंगा भगवान विष्णु में, ये ऋग्वेद का मंत्र। विष्णु का नाम उच्चारण से विष्णु में प्रेम आता है, भगवान का नाम उच्चारण से भगवान में प्रेम आ जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसी हरिनाम संकीर्तन को सारा दुनिया में प्रचार करने के लिए उपदेश भी दिया और अभी हो रहा है सारा दुनिया में। अभी देखिए कितना अमेरिकन कितना कैनेडियन इधर में इंग्लिशमैन जर्मन फरासी स्विट्जरलैंड का आदमी अरेबियन बहुत देश का आदमी इधर में जापान का ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया बर्मा तो है इंडोनेशिया का भी बहुत बहुत आदमी इंडोनेशिया से भी आया है। किसके आया समझा, थोड़ा थोड़ा भगवान की दया हुई है तो भगवान का प्रभाव अभी गुरु का दिल में बैठ गया, तो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं जोर उच्च कीर्तन करते स्त्री पुरुष मिल कुछ परवाह नहीं करते। हम लोग कहते शरम ब्राह्मण का लड़का चूटी नहीं रखती बुद्धिना क्या करते वो नहीं रखते, जनोई नहीं पहनते हैं जनोई नहीं रखते ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण कहता भी नहीं शर्म लगता है कैसे कहेगा, क्षत्रियों का चूटी नहीं है वैश्य का चूटी नहीं है में जनोई नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन मन को द्विज कहते द्विज दुई जन्म होता है, एक मातृ गर्भ से जन्म द्वितीय जन्म होता है उपनयन में,
तृतीय जन्म होता है यज्ञ दीक्षा में, क्या शर्म की बात। अभी वो लोग कर रहा है, अभी फरना श्लोक हरिनाम करते वो लोग सदाचारी है। अभी हम लोग ब्राह्मण के घर में देखते हैं मुर्गी रखती, मुर्गी पालन करती, प्याज खाती, लहसुन खाती, शर्म नहीं लगता। तमसी का हार तो तमगुण बढ़ेगा नहीं, तमसी का हार करने से राजसी का रजगुण बढ़ते, सत्ती का सत्यगुण बढ़ते, निर्गुण भगवत प्रसाद ग्रहण से निर्गुण भाव भगवत भाव बात जाते। तो हम लोग निर्गुण का तो बात ही नहीं है, सत्य का हार भी नहीं करेंगे, दुनिया गंदा नहीं होगा। अभी देखिए फर्ण जुलूक का जन्म मौज में और शराब खा के जन्म से बड़ा होता है, मांस मदिरा में रहते हैं, अंडा प्याज रोशन खाया, वो लोग अभी सब छोड़ दिया। देखिए हजारों हजारों एक दो ही नहीं, हजारों हजारों आदमी देख के आप लोग का आनंद होगा। ऐसा करते तो भगवान का प्रभाव से ही करते, जब भी निमित्त हमारा एक गुरु भाई गया है और गुरु भाई भी गया है, मुझे भी नेवता दिया, हमारे जाने का पुत्र नहीं पाया, बहुत जब भी नेवता दिया नहीं जा सका, ऐसा तो हालत। इसलिए हम मेरा निवेदन यही है यही भगवान का नाम संकीर्तन ये मिलन क्षेत्र है, विग्रह पूजन में हर एक का अधिकार नहीं है, लेकिन नाम संकीर्तन में निर्मात्र स्वाधिकारिता नरमात्र का अधिकार है। कोई जाति पाति का विचार नहीं भगवान का नाम कीर्तन जो कोई हो सके, इसका आश्रम का कोई विचार नहीं है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी किसी के लिए कोई इतराज नहीं है। पूजा मार्ग में अर्चन मार्ग में कुछ रेस्ट्रिक्शन रहती है, लेकिन भगवान का नाम कीर्तन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। न देश नियमस्तस्मिन न काल नियमस्त था, हरिनाम में जिसका लोभ है उसके लिए कोई नियम नहीं है, सबका सारे समय कर सकता है भगवान का नाम। इसी प्रकार भगवान का नाम संकीर्तन को सुविस्तार होना चाहिए सारा दुनिया, घर घर सेठ समी सम्मेलन करके एक सभा बना के तभी सम्मेलन में भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। ये बात नहीं, अपना घर में बाल बच्चा का लेके कीर्तन करिए, रोज 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, समय मिलता नहीं इतनी बात नहीं है, बहुत समय मिलता है, ज्यादा समय 15 मिनट करिए रोज घर में भगवान का नाम। मैं मृदंग करतल दरकार नहीं है, मृदंग करतल की जरूरत तली देखे भगवान का नाम करिए, भगवान का नाम उच्चारण करना, ताल बेताल से कुछ कुछ हर्जा नहीं होगा, ताल से भगवान नहीं मिलेगा, मिलेगा भाव से, भावग्राही जनार्दन। घर में करते रहिए भगवान का नाम कीर्तन अथवा भगवत भक्ति ग्रंथ पाठ श्रवण करते रहिए, लेकिन भक्त का मुख से। जो लोग भगवान का स्वरूप नहीं मानते, जो भगवान का स्वरूप हाय नहीं बोलते हैं, इस प्रकार व्यक्ति का मुख से सुनेंगे तो उल्टा फल, वो तो नाम कहते कुछ पाठ करते उल्टा बात करते। इसलिए भक्त का मुख से भगवत कथा श्रवण करना, वो कोई जो कोई जाति का हो कोई परवाह नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पंच जाओ, लेकिन होना चाहिए भगवत भक्त, भगवान में जिसका निष्ठा उनका मुख से सुनना, भक्त मुख से तो ये जो है भक्ति के लिए तरीका। आप लोग का पास मेरी प्रार्थना, आप सब इसी प्रकार प्रयत्न कीजिए, जैसे भगवान में आप लोगों का सब कोई का दिल चला जाए, हम लोगों का दिल दुनिया का सब कोई का दिल जाए, और यही संकीर्तन दुनिया का सब कोई के लिए सब सामाजिक लोगों के लिए मिलन क्षेत्र है, प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिटी, यूनिटी के लिए प्लेटफॉर्म है हरिनाम संकीर्तन, सब मिलता है, बहुत अच्छा है। और विश्व समस्या के समाधान के लिए यही भगवत भक्ति प्रधान सहायक है, श्रेष्ठ सहायक एकमात्र सहायक कह सकता है, और आनुषंगिक और कुछ वाल गवर्नमेंट करो अच्छा होगा, लेकिन मेक दी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग बढ़ गई ये हो सकता है, लेकिन भगवत भाव नहीं है, भगवत विश्वास नहीं है, आज सिर्फ अपना अकेले से पार्टीशन करो, खाना पीना कम से कराओ,
पास कंट्रोल कराओ, अमुक करो, तो अमुक ये सब कर सकता है। यह एम्पिरिक नॉलेज से करते, दुनियादारी का अकेल से करते, इससे हम लोग का समाधान करेंगे। ढंग से देख ला चमाई नहीं होगा समाधान, इससे समाधान नहीं होगा, कल्पना समाधान नहीं हो सकता। समाधान करो, चरित्रवान करो, काम दूर करने का उपदेश करो। काम ही तो सारा अनर्थ का कारण, काम से क्रोध, क्रोध से इत्यादि पदार्थी सम्मान बुद्धिया बुद्धिया प्रदर्शित। इसलिए काम को धादी दमन करो, लोभ को दमन करो, तब मंगल। आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे बहुत दूर से बुलाया, मैं कोलकाता से आया हूँ, जब भी बीस पे दूसरा होके आया हूँ, दिल्ली कॉन्फ्रेंस और चंडीगढ़ अपना मठ है उनका उत्सव करके यहाँ पर आया। इसलिए आप लोग, हम लोगों के लिए बहुत कष्ट किया और बहुत जतन भी किया, हमारे लिए, हमारा साथों का, साथ का बंधुओं के लिए भी बहुत प्रयत्न किया। मैं संकीर्तन समिति को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। भगवान ये लोग के ऊपर कृपा करे, इनका दिल और अधिक से अधिक कृष्ण चरण कमल में, चैतन्य चरण कमल में आकर्षण करे, यही मेरी प्रार्थना। हमारा गुरु जी उनको कृपा, इन लोग को कृपा करे, यही प्रार्थना करता। और आप लोग भी स्वतः रूप से बैठा है, स्वतः रूप से बैठ के हमारा गुरु का काम किया। गुरु जैसा शिष्य को जबरदस्ती भगवत भजन में, साधन में लगा देते हैं, आप लोग भी ऐसा। आप लोग बैठा है तब तो मैं भगवान की कथा कहती हूँ, नहीं तो मैं इतर चिंता और विषय चिंता भी कर सकता था घर में बैठ के, चुपचाप घर में बैठ के बैठा है। महात्मा जी ध्यान में है, अरे किसके ध्यान में है, विषय ध्यान में है कि स्त्री ध्यान में है, क्या और कोई ध्यान में है क्या मालूम। लेकिन जब भगवत कथा कहने पड़ेगा तब आई कांट मेक इरिलेवेंट टॉक, तब मेरा जो विषय कहने उसमें ध्यान देने पड़ेगा। इसलिए कीर्तन द्वारा ध्यान का फल मिलता है। ध्यान का जो एकाग्रता हो, एक विषय में दिल को रखना, कीर्तन से हो जाता है। तो वही विषय के लिए आप लोग सहायता किया, बैठ बैठा है, बैठ के रहा, इसलिए मेरा कहने के लिए मौका मिला। उनको कहा है आप लोग कथा, इसलिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी मेरा कृतज्ञता का पात्र है, आप लोग का पास मैं आभारी हूं। आप लोग का जय हो जाए, भगवान आप लोगों को कृपा करे, यही मेरी प्रार्थना। अभी महंत महाराज का उद्धार भी सामने,